दी धर्मपेट महिला सोसाइटी द्वारा एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जिसमें अब बिजली का बिल भरने की सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार को पत्र परिषद में दी धर्मपेट महिला सोसाइटी की अध्यक्ष नीलिमा बावड़े ने यह बताया। सोसाइटी के 27 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महावितरण के संयोग से दी धर्मपेट महिला के बिलिंग सेंटर का उद्घाटन 28 अक्टूबर को मानकपुर में किया जाएगा, जिसमें ग्राहकों के लिए विशेष बिजली का बिल भरने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गुरुवार को इस बिलिंग सेंटर का उद्घाटन कार्यकारी अभियंता राजेश घाटोले के हाथों होगा। वहीं शाखा में लॉकर की सुविधा भी दी जा रही है। ग्राहकों की सुविधा के लिए घर तक रुपए पहुंचाने की सेवा भी दी जा रही है। नीलिमा बावड़े ने आगे कहा कि दी धर्मपेट महिला सोसाइटी द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम ब्याज भी उपलब्ध कराया जाएगा। 12वीं पास महिलाओं के लिए बैंकिंग ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र खामला में शुरू किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं को सोसाइटी द्वारा विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। संस्था जनरल इंश्योरेंस सेवा भी उपलब्ध करवा रही है। पत्र परिषद में संस्था की अध्यक्ष नीलिमा बावड़े, उपाध्यक्ष सारिका पेड़से, संचालिका अनघा मुले, नीलम बोवाड़े, श्रद्धा पुरोहित, छाया शुक्ला, साधना रक्षमवार, मुख्य व्यवस्थापक चंद्रशेखर वसूले, अंजलि राउत उपस्थित थी। नमस्कार। खरं म्हणजे आता दिवाळीला सुरुवात होत आहे आणि धर्मपेठ महिला मल्टीस्टेट कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या वतीने आमच्या सभासदांसाठी आम्ही अनेक योजना राबवत असतो, पण पहिल्यांदाच कोरोनाच्या महामारीमध्ये की खूप लोकांना प्रत्यक्ष भेटू शकलो नाही आणि आमच्या संस्थेच्या तर्फे अनेक योजना राबवत असतो, म्हणजे विशेषतः सेव्हिंग आहे, FD आहे, पण सभासदांच्या एका सेवेसाठी आम्ही इलेक्ट्रिक बिल म्हणजे MSEDCL चे 27 शाखा आम्ही आमची मानकापूरला जी आमची शाखा आहे तिथे सुरू होत आहे, तर तिथल्या ज्या परिसरातली जी आमची सभासद आहे त्यांच्यासाठी ती एक सेवा आहे आणि हे लोकांना कळायला हवं की वीज बिल भरायचं केंद्र तिथं सुरू होत आहे। येत्या गुरुवारी माननीय राजेशजी घाटोळे यांच्या हस्ते आपण ते सेंटरचं उद्घाटन करतो आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहळ के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।